राजनांदगांव के तत्वाधान में मंगलवार को ज्ञान वर्धक एवं महिला खेलकूद का आयोजन खैरागढ़ ब्लॉक समिति महिला समूह एवं महिला फौज के द्वारा किया गया, जिसमें विशेष रूप से जिला अध्यक्ष पद्मश्री श्रीमती फूलबासन यादव, जिला सचिव मधुलिका रामटेके, ब्लॉक अध्यक्ष कस्तूरी बाई, महिला फौज के अध्यक्ष शैल यादव, सुविखदान समन्वयक विनोद साहू, डोंगरगढ़ ब्लॉक प्रमुख जानिया साहू, पद्मा वर्मा एवं राजेश वर्मा एनिमेटर उपस्थित हुए। खैरागढ़ के मैदान में खैरागढ़ ब्लॉक की महिलाओं ने मटका फोड़, कुर्सी दौड़ एवं साइकिल रेस में भाग लिया। माँ बम्लेश्वरी जनहित समिति राजनांदगांव का मुख्य उद्देश्य इस शक्ति अर्थात महिलाओं की शक्ति से महिला समूह को जोड़कर आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में सुधार करना है। इसके माध्यम से बैंक से बहुत कम समय में आसानी से लोन मिल जाता है, इससे समूह की महिला का आर्थिक स्थान मजबूत हो रहा है। इस अवसर पर पद्मश्री श्रीमती फूलवासन यादव जिला अध्यक्ष ने मां बम्लेश्वरी जनहित समिति राजनांदगांव के कार्यकाल की संपूर्ण जानकारी दी। मेरा नाम फूलवासन भाई यादव है, मैं राजनांदगांव जिला के मां बम्लेश्वरी जनहित करी समिति के अध्यक्ष हूँ। यहाँ राजनांदगांव जिला में 2001 से मां बम्लेश्वरी स्वयं सहायता समूह के निर्माण हुई और हम 11 महिला से शुरू करें, जिनमें 2 मुठ्ठा चावल 2 रुपये पैसा से आज 40 करोड़ बचत राशि है, जिनमें 13,000 से भी ज़्यादा महिला जुड़े हैं, 2,00,000 से ज़्यादा महिला मन है। हमर मन के काम आर्थिक और सामाजिक में है। हमन पूरा बहनी निस्वार्थ भावना से यहाँ काम करते हैं। हमर मन के मेन काम है शिक्षा लेके, स्वास्थ्य लेके, स्वच्छता, रोजगार और नशा मुक्त समाज बनाए बर। आज ये कार्यक्रम महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में और ई शक्ति जो हमार बहनी मन कंप्यूटराइज होते वो एक रजिस्टर में लिखत रही, लेकिन कम पढ़े लिखे बहनी मोबाइल के द्वारा अपन रिकॉर्ड, अपन जांच, अपन लेखा संधान अलग कर सकते हैं। तो ओकर कार्यक्रम है ये खेलकूद हमार महिला मन के एक बहुत बड़े उद्देश्य अलग लेके आते हैं। काबर के जो 15-16 साल की उम्र के हम रहे हैं तो खेलकूद करते हैं, लेकिन घर में जो परेशानी है, दिक्कत है और बहुत तकलीफ में रह रही थे, लेकिन हम जब एक दिन खेलकूद में यहाँ आते तो अपन बचपना याद आते, तो अपन तकलीफ ने दूर करना और अपन एक दिन अच्छा जिंदगी जीना खेल के माध्यम से। हर एक महिला मन के स्वास्थ्य ला लेके और गांव से बाहर निकले बार और जिला में आना और जिला से भी राज्य तक जाना ही हमारे मन का उद्देश्य है। जिनमें पहली मन कुर्सी दौड़ में भाग ले हैं, धीमी साइकिल रेस में भाग ले हैं और मटका फोड़ में भाग ले हैं, जिनमें बहुत अच्छा ढंग से अपन प्रदर्शन हमारे महिला संगठन कर रहे थे। ये गाँव संगठन से शुरू हुई क्लस्टर में, इस क्लस्टर से हमारे ब्लॉक में से और ये ब्लॉक के बहनी मन सीधा जिला लेवल में जाए। इसमें हमारे मन के पुरस्कार है बहनी मन आकर्षण पुरस्कार, शील्ड प्रमाण पत्र, साथ में जो बहनी मन इस शक्ति में 3 मिनट बोला थे बोला 8,000 जिला में 8,001 जिला में सम्मान मिली और मतलब शील्ड मिली, प्रमाण पत्र मिली। दूसरा इनाम है 5,001 जो ब्लॉक लेवल में मिली और तीसरा इनाम है 3,001। तो ये बहनी मतलब प्रोत्साहन करे पर आत्मबल बढ़ाए पर हम लगातार करतन, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में, स्वच्छता में हो, चाहे रोजगार में हो, नशा मुक्त गांव बनाए पर भी हमन काम करते हैं। तो ये काम पर हमार स्वयं के ही हमार महिला फेडरेशन के जो 40 करोड़ पैसा और खुद के जो सम्मान राशि होकर से करते हैं, 2012 से नबार्ड के हमारा पूर्ण सपोर्ट मिलते, सहयोग मिलते। ये शक्ति के कार्यक्रम में हमला नबार्ड के पूर्ण सहयोग मिलते, समूह बनाना है या ट्रेनिंग लेना है और ये ला देखते हुए हमारी शक्ति में एक नंबर हमारे राज्य में हो और हमारे माँ बम्लेश्वरी फेडरेशन के हरेक बहनी मन सशक्त हो एक बार रखे हैं। लगातार ये 13-14 तारीख के बीच में जिला में भी होने वाला है, तो ये छोटे से एक पौधा के रूप में एक वृक्ष तैयार करना चाहता और ये अच्छा है कि राजनांदगांव जिला में 2,00,000 बहनी है, लेकिन शिक्षा में हो, रोजगार में भी बड़े बड़े कंपनी, सोसाइटी और जिमीकन और डेयरी जैसे बड़े बड़े काम, ऑर्गेनिक कंपनी और जो अगरबत्ती के जो फूल होते वहाँ से हमन फूल से भगवान में चढ़े हुए फूल से हम फूल इकट्ठा करथन, सुखातन और आस्था के फूल के नाम से अगरबत्ती बनाथन। एक बहुत बड़े रूप में हमार बहनी मन काम करत है, खाद के भी उपयोग करत है, ऑर्गेनिक में काम करत है, मुंगा पेड़ में काम करत है, बकरी पालन में काम करत है और कड़कनाथ मुर्गी में काम करत है। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ राजनांदगांव जिला में बहनी मन आर्थिक और सामाजिक में काम नहीं करत है, बड़े से बड़े काम हमार बहनी मन करत है। वो आज हम लोग खुशी है कि हमार बहनी मन गाँव के जो एक सशक्त बन के यहाँ तक जिला तक खेले बरा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज़। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।